तो आज रेले जी के बारे में बात करेंगे, रेले जी के संगीत के बारे में उनका। तो आपका उनसे परिचय कैसे हुआ और क्या क्या आपका उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा आपके आपके सांगीतिक ग्रुप में? योगदान योगदान ऐसा है कि मैं उनको बचपन से ही जानता था, क्योंकि वे कुमार जी के गुरु भाई थे। मतलब वो चंद्रशेखर रेड़े जिनको हम लोग बचपन में लोग उनको बाबू कहते थे, तो हम लोग अभी बाबूराव कहते हैं क्योंकि जनरेशन का फर्क है। ये कुमार जी के सहाध्यायी थे, देवधर जी के साथ उन्होंने साथ में सीखा। और वो कुमार जी की जो खोज थी संगीत में, जो अपना रास्ता कुमार जी बनाते रहे, उससे प्रभावित भी होते रहे थे। तो ही वॉज लकियर देन कुमार जी, क्योंकि उनको देवधर जी का फायदा मिला उनकी विद्या का, और कुमार जी की जो उन पर प्रतिक्रियाएँ होती थी देवधर जी की सीधी हुई बंदिशों से। और देवधर जी का, जैसे मैं अन्यत्र कह चुका हूँ, जो एक उदार मतवादी दृष्टिकोण था कि शिष्य को वो अपनी गायकी उनको रटवाते नहीं थे। देवधर स्कूल जैसा एक कला का आदान प्रदान होने वाली जगह थी, हर कलाकार कोई अच्छी बंदिश बनाता था तो उसको लगता था कि देवधर स्कूल में जाके इसे सुनाए, क्योंकि उसे अन्य कलाकार मिलेंगे। साउथ बॉम्बे वॉज द सेंटर ऑफ ऑल आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। तो इस तरह से उनका बचपन से था। बाद में फिर वो वकालत के पेशे में गए, और मेरी जो गुरु परंपरा है, यानी कुमार गंधर्व और देवधर और मेरे पिताजी बाबूराव रेणे जी के सोहबत ने मेरी इस गुरु परंपरा को अधिक समृद्ध किया। इसका कारण ये है कि इन मिड 70s ही डिसाइडेड टू क्विट हिज प्रैक्टिस। ही वॉज क्वाइट एन एमिनेंट लेबर लॉयर of Bombay. He sold his office and started learning back from Devdarji again. तभी Devdarji की मनोवस्था का Devdarji खुद वर्णन करते वैसे हैं कि अब तक का मेरा जीवन मैंने सब चीज़ें बंदिशें इकट्ठा करने में व्यतीत किया, पर अभी मेरा उसका परिशीलन करने का वक्त आया है। और मैं भी अभी I am plus 65, तो मुझे भी ऐसा लगता है I really understand what Devdarji meant. क्योंकि मैंने भी जो मेरे संवाद फाउंडेशन में जो कुछ इकट्ठा किया, अभी उस पर पुनर्विचार हो रहा है, तो उतना ही नवनिर्मिति का जैसे होता है वैसे ही आनंद हो रहा है मुझे भी। ये एक भाग। तो तभी कुमार जी को जो देवधर जी से विद्या प्राप्त नहीं हुई आफ्टर 46, कुमार जी एक तब यानी 12 साल रहे गुरु के पास और फिर देवास चले गए, फिर उन्होंने अपना जीवन बना। क्योंकि सीखने की भी एक हद होती है, चाहो तो तुम जिंदगी भर सीख सकते हो, पर उससे कुछ बोध लेकर अपने जीवन में कुछ करने का भी एक जिंदगी में प्रयत्न होना चाहिए। यू कैन नॉट ऑलवेज बी एसिमिलेटिंग। तो ऐसे एक आदमी निश्चित करता है, जैसे तुम मेरे पास सीखते रहोगे तो उसका अंत ही नहीं है, और सिखाते रहने में भी आदमी खुद सीखता है, उसका भी अंत नहीं। पर अपनी एक बात कहने की कभी कभी तो नौबत आनी चाहिए। इस तरह से जो देवधर जी ने 46 के बाद विद्यार्जन किया, खास करके पंजाब घराने की बंदी से, और जो कुमार जी को नहीं प्राप्त हो पाई थी देवधर जी से, क्योंकि जो कुछ प्राप्त हुआ से कुमार जी ने बहुत कुछ बनाया, फिर भी उनकी विद्या थोड़ी सी अधूरी रह गई, वो चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर रेड़े जी के थ्रू मुझे प्राप्त हुई। ये उनका योगदान। और एक अधेड़ उम्र में बालावस्था में सीखने का एक फायदा होता है कि तुम्हारी ग्रहण शक्ति तीव्र होती है, यू आर अ ब्लैंक स्लेट, सो यू ग्रास्प इट क्विकली। पर थोड़ी बढ़ती उम्र में सीखने का एक और फायदा है कि यू आर मोर एनालिटिकल। तो वो उन्होंने देवधर जी से बालकाल में भी सीखा, और देवधर जी से सीखा यानी मतलब जैसे सम्मत फाउंडेशन ऐसे, देवधर वॉज अ फाउंडेशन इन इटसेल्फ, देवधर वॉज एन आर्काइव इन इटसेल्फ विच हेल्ड All of the major gharanas, all of the eminent musical personalities, जो कि घराने में भी नहीं बैठते हैं। और रेले जी पर गुलाम अली और बरकत अली में से बरकत अली की कहन का भी परिणाम था, और उनका ठुमरी पक्ष ही बहुत प्रबल था। मैंने एक बार उनको पूछा कि आपके पास अभी उनका संवाद में तुमने देखा है उनका ठुमरियों का संग्रह, कम से कम 400-450 ठुमरियाँ होगी, तो मैंने उनका कहाँ से ली, तो उन्होंने कहा मैं रेडियो से ली है।
और तभी आपका एएम चैनल जो आता है आज जो सबसे वीक चैनल है वो तभी दैट वाज द ओनली चैनल एंड क्वाइट स्ट्रांग. मतलब मुझे मेरे बचपन में याद है कि रात को मैं रोज टाइम 9 के बाद में, और रेडियो वालों को क्या होता था जब उनकी प्रतिभा शक्ति कम पड़ती थी तो वो क्लासिकल म्यूजिक लगाते थे. कितना सोचेंगे, महिला मंडल हुआ, किसान सभा हो गई, बच्चों का प्रोग्राम हो गया, किसी पुढ़ारी का भाषण ले लिया, किसी साहित्यकार का कथा कथन किया, आप क्या करेंगे, तो क्लासिकल म्यूजिक. तो तभी बम्बई के बाद लाहौर आता था, लाहौर के बाद इंदौर आता था, इंदौर के बाद बड़ौदा आता था, बड़ौदा के बाद जयपुर आता था, और इन सब केंद्रों से बहुत अच्छे अच्छे गवैये गाते थे. ठुमरिया गाती गाई जाती थी उपशास्त्रीय संगीत के नाम से. तो उनकी ठुमरी की कहन बहुत बढ़िया थी. ये कहन की बात जो अक्सर केवल व्याकरण सीखते हैं वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीतकारों में नहीं होती. तो वो रेले जी में वो उनके कहन का मुझे फायदा हुआ. उन्होंने नेहरू जी के बाद फिर से जो शिक्षा लेना प्रारंभ किया, हालांकि कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स है अपने पास कि देवधर जी, मैं और पंडितनाथ कोल्हापुरम और रेले जी, हम सभी लोग देवधर जी से सीख रहे हैं. फिर भी इसके अलावा वो जो रेगुलर जाते रहे, रोज शाम को उनके पास जाते रहे, फीस दे के, उसका मुझे फायदा हुआ. और तभी उनके भीतर का रचनाकार भी जागृत हुआ. ये मेरा भी एक उसूल रहा कि जिस भी घराने का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ फॉर अवर आर्काइव्स, तो मैं उनके जैसी दो बंदिशें बना के उन लोगों को ही सुनाता था. जैसे मैंने रमेश नाडकर्णी जी को चारुकशी की बंदिश सुनाई, या एक गिंडे जी पर बंदिशें एक दो मैंने ऐसे उस ढांचे की बना करके उनको ही सुनाई, बबंद्रा वाल्डनकर जी को सुनाई. तो ये प्रतिक्रिया जो होती है कि आपने अपने को वो बंदिश कितनी समझी है, तो देवधर जी से जो बंदिशें मिले उनकी प्रतिक्रिया रूप उन्होंने कई बंदिशें बनाई. उसमें राग का तब तक अछुआ एक पहलू नजर आता है जो कि हर अच्छी रचना में होता है. उसका एक गुंजन हमने प्रकाशित किया, संवाद फाउंडेशन ने प्रकाशित किया. फिर ये कहन का जो मैंने अंग था उनका, तो कई ऐसी पुरानी बंदिशें उनसे मुझे मिली, उसके मैं खाली मुखड़े गा देता हूँ. तो मुझे चौगुना फायदा ऐसा हुआ कि कुमार जी से मेरा सौंदर्य विचार को एक दिशा मिल चुकी ही थी, आर्काइव्स में कर ही रहा था, पर देवधर जी से भी मैंने विद्या प्राप्त की, और देवधर जी का रेले जी ने किया हुआ परिशोधन का भी फायदा मुझे. मिसाल के तौर पर एक संध्या से आई हुई बंदिश है कुरिया कल्याण. अब तुम जानती होगी शायद कि ये पूर्व कल्याणी से राजनंदन करने हिंदुस्तानी मिला है, ऐसा राग हमारे पास नहीं था. पर एक संध्या के बंदिश में विचार है कि जहाँ उदासी है वहाँ पूरिया, और जहाँ होप है, आशा है, वहाँ कल्याण. Yeah.
दृष्टि जोड़ भी मुझे मिली, अंतर कहो इसका जो कोई हम सन पिया को मिला वो शरण एक राग के अनेक रूप हो सकते हैं। और एक रेले जी के सोहबत में जो बात उन्होंने कही नहीं पर मुझे समझ में आई वो बात यह है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर किसी को अपनी राग व्यवस्था निर्धारित करने का अधिकार करनी ही पड़ती है। अब मुझे आज शोभना वाला पूरा कल्याण मालूम है, ये भी मालूम है, तो मैं पूरा कल्याण कैसे करूं? ये मुझ पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं मजाक के तौर पर कहता हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग द इन्वेंशन ऑफ कबर्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन वॉज ड्रॉवर्स विद इन द कबर्ड। कि अपने पास जितनी चीजें हैं, जैसे आपको अगर इफ यू वॉन्ट अ कॉम you shouldn't find a stapler when you open your drawer. So both should have a separate entity. ऐसे चीजों की तो जिसके पास ज्यादा राग विद्या होती है उसको उसके ज्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर किशोरी आमोणकर कुकुब बिलाल के नाम से ये सब कुकुब की है और ऐसे उसका कहते हैं शिव शरण देवता। अब कोई ऐसे कहे कि इसमें कुकुब और शुक्र मिक्स हो रहे और वो अगर अच्छा गा रही है तो उसका आनंद न ले पाए तो वो आदमी में खामी है, क्योंकि उनके पास उनको दो ड्रॉवर्स के बिलाल के लिए एक ही ड्रॉवर उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो अलग से कुकुब और अलग से शुक्र नहीं गाते। ये विचार मुझे रेले जी से प्राप्त हुआ और फिर आप लोग मतलब जितना जो कोई ये वीडियो सुनेगा वो लोगों को सोचने के लिए एक मैं बात देता हूँ कि कुमार जी ने अपनी राग व्यवस्था की, रामाश्रय झा ने अपनी राग व्यवस्था की, बबन हलडनकर खादी मुसी ने इन लोगों ने अपनी राग व्यवस्था की, जितने जितने रचनाकार है उन्होंने अपनी राग व्यवस्था का सबूत चाहिए इसलिए बंदिशें बनाई। So as an archivist, it's very important to know Ratanyankar's राग व्यवस्था, रामाश्रय झा राग व्यवस्था, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारा राग रूप उतना पूर्व निश्चित नहीं है, it leaves more space for interpretation than the original notes। तो ये सब बातें रेले जी के संदर्भ सोहबत से मैं सोचने पर बड़ी काबिलियत हो गई, मेरी अपनी सोच बढ़ी, ये एक उनका विचार। और उनका दूसरा योगदान, पहले कुछ उनके उनसे प्राप्त बंदिशों का जिक्र करता हूँ। सब लोग बिहार में ख्याल करते हैं। अभी एक उनको देवदूत से प्राप्त हुई जपताल है कौन जो Oh,
ऐसी कई दो बंदिशें मैं रेले जी से प्राप्त होकर बोल रहा हूँ। अभी दो तीन बंदिशें एक रचनाकार रेले जी इनकी सबसे सुनाता हूँ, जैसे कुमार जी की सिरे पे धरी गंगा है, बहुत प्रसिद्ध है। ये बंदिश का ऐसा असर रहा कि 25-30 साल सब लोग शंकरा के बारे में लोगों का और तरीके से सोचना ही बंद हो गया। रेले जी ने इसके जवाब में बंदिश बनाई है। जो कि कुमार जी ने मिली, पर ने सब बातें देवधर जी से ली, कुमार जी से नहीं। आखिरी तान कैसे बढ़ी है देखो, एक पॉज है उधर। Oh,
हिंडोल में हमेशा एक बाजत मृदंग का वातावरण होता है, ध्रुपद धमार वाला। और यहां पर अच्छा क्या था कि रचनाकार को हमारे संगीत में साथ साथ भाषा का भी अभ्यास और भाषा पर जितना बंदिश को आवश्यक है उतना प्रभुत्व पाना आवश्यक है। उससे शक्यताएं खिलती है क्योंकि बियॉन्ड लैंग्वेज मीनिंग द टेक्स्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ अटैक स्ट्रोक म्यूजिकल अटैक। तो एक रसायन होता है, होमोजेनियस कंपाउंड होता है, खाली सुर नहीं होते, आघात भी होते। तो उनको किसी ने घनानंद की किताब दी जो सूरदास के समकालीन थे, तो उन्होंने घनानंद बहुत ही कम जगह उन्होंने अपने शब्द किए हैं, घनानंद का काव्य लेके उसको तर्ज अपने राग विचारों में डाला। अब जैसे पुराने कंपोजर थे सिने जगत के, फिल्म जगत के, श्री रामचंद्र या नौशाद, ये लोगों ने कभी पहले तर्ज नहीं बनाए। उनके लिए चैलेंज था कि लिखित जो काव्य है उसको ही कंपोज कर रहे हैं। तो इसलिए रेले जी की रचना में नए नए छंद बने, उसके मिसालें कुछ दूंगा मैं। तो यहाँ पर अभी बड़ा प्रसंग है, जैसे मथुरा गए कृष्ण तो गोकुलवासी, गोकुल तो गांव था मथुरा के तुलना में तभी भी, तो गांव के लोग जैसे बैठते हैं किसी जगह पे चौक में अपने आप से बात करते हैं, तो पता चलता है अरे मधुबन से वो आई है, चिट्ठी आई है, पाती मधुबन ते आई उधो हरि के परम सने ही ताके हाथ पठाई। उनके हाथ उन्होंने उद्धव के हाथ भेजी है। तो सब वो लोग पूछने लगे उद्धव को, क्या उन्होंने खुद लिखी? कितना पोएटिक ये मोमेंट है। फिर उद्धव के बहुत उन्होंने लाड किए तो उन्होंने पढ़ के सुनाई। तो एक अच्छा काव्य चुनना, ये अच्छा काव्य लिखने इतना ही प्रतिभा की मांग करता है। तो ये बंदिश में हिंडोल का कितना अलग मूड आता है देखो। बाजी सुनाई
अगर टेक्स्ट कंपोज करने को लेने से क्या मजा आता है, उसका एक बहुत ही समर्पक उदाहरण गिवन टेक्स्ट, जो कि और कोई कंपोजर होता तो छोड़ ही देता, या खुद अगर काव्य अपने राग विचार के लिए करता तो इतना पेचीदा नहीं होता। देखो मिसाल के तौर पर अच्छे हैं कि कोई मोहे आन मिला वो सजना,
जो जो पिया की खबर अलावे कोई मोहे आन मिलाओ पिया, जो पिया की खबर लावे तन मन वारू और जिया, तन मन और जान सब दे दूं। और वो नायिका ऐसा वर्णन करती है कि वो जिंदा किस तरह से है, तो जैसे खाल लुहार की, चमड़ा तो है वो, खाल लुहार की सांस लेत बिन जिया। मतलब ये सिलेक्शन कितना सुंदर है। स्वर के भार से एक जड़ता आ जाती थी जो उनके गायन को सूट करती थी और उनके उस मैच्योर अवस्था को वो ठीक थी, पर एक यवन में जो स्वभाव की चंचलता होती है वो भी तो एक हकीकत है। मतलब इट इज नॉट समथिंग सम रॉन्ग इमोशन। जैसे एक ब्लॉसम आपकी उम्र आती है, जैसे वसंत ऋतु की साल की उम्र आती है तभी वसंत ऋतु होता है। तो उनके जो ठुमरी गाने का ढंग था वो सौभाग्यवश मुझे उनसे वो भी ढंग मिला। इसे मध्यम करो अभी या ये 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 करो बच्चों।
क्या होता है, गुरु एक बीज देता है, उसका वृक्ष करना सीखने वाले पर है। ये कोई उन्होंने कहां से उनको मिला, तो कहते कोई अफजल से नगीना वाले थे, दिल्ली रेडियो से गाते थे, उनसे इन्होंने पाया। बाद में वो अफजल से नगीना वाले का नाम सुना, वो उपेक्षित रहा। एक मराठी में किताब है उपेक्षितान से अंतरंग। तो ऐसे बहुत निग्लेक्टेड लोगों की रूह उनके पास उन्होंने रेडियो से इकट्ठा की थी। तो उसमें वो एक शायरी नुमा एक पद है, बाद में उसको पूरे वो पीछे पड़ के देवधर जी को उन्होंने पूरा खाली किया, उनकी अपनी झोली भर ली। और विद्या किसी से लेने से उसकी कम नहीं होती है, दोनों की बढ़ती है। तो ये सब हम दोनों को से इसके आवाज में लचकीलापन आया। अभी मैं नाम ले लेने चाहते हैं, पर कई कुमार जी के जो अनुगामी होते हैं वो ये करने में भारी हो जाते हैं। शुरू में हिलने लगा तो बाद में उस पर कंट्रोल पाना संभव है, पर अगर वो शुरू में ही बीज वो बोए नहीं गए हरकत खटका मुट्ठी के, तो बाद में कभी नहीं आते। और जो बातें गले से नहीं निकलती फिर वो दिमाग में भी नहीं आती है। तो ये रेलेश का योगदान मेरे सांगीतिक जीवन में ये एक ठुमरी का है, देवघर से प्राप्त विद्या है, उनकी जो प्रतिक्रिया रूप जो उनकी बंदिश है बनाई है। और चौथा और आखिरी योगदान रेले जी का संगीत जगत के प्रति ये है जिसकी किसी ने दखल नहीं ली। जैसा कि मैं पहले बात बात में कह चुका कि हर प्रतिभाशाली संगीतकार को हर वैचारिक क्रिया जो कलाकार के भीतर चलती रहती है उसको अपनी राग व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में मैंने विस्तार से कहा ही है। अब भातखंडे ने दक्षिणात्य संगीत पद्धति से स्थित 10 थाट अपने राग में लिए, अपने संगीत में लाए और उसमें से सब रागों के का कैटेगराइजेशन किया। ये करने का प्रमुख कारण ये था कि परुष्कर जी और भातखंडे इन्होंने अपना कार्य एक ही समय में
शुरू किया, पर उनका काम अलग रहा, इनका काम अलग रहा, दोनों ने मिलकर कुछ नहीं किया। विष्णु दिगंबर दिगंबर ज्यादा प्रचारक थे, भातखंडे वाज मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंटलिस्ट। मतलब दोनों ही प्रचारक थे अपने तरीके से, दोनों ही डॉक्यूमेंटलिस्ट थे, पर परुस्कर इज नोन एज प्रचारक और भातखंडे इज नोन एज डॉक्यूमेंटलिस्ट। तो विलियम जॉन के कोई आदमी था, उसका मुझे नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, हु वाज अ कल्चरल ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ही लेबल्ड अवर म्यूजिक एज ड्रोन ओरिएंटेड बैकवर्ड म्यूजिक ऑफ नेटिव्स। क्योंकि आपने षडज बदलता नहीं है, जिसको वो समझे कि ये पिछड़ापन है, क्योंकि हारमोनी में वो षडज बदलता है वगैरह ऐसे किसी भी कारण से। तो और कलाकारों को समाज में स्थान नहीं था, कला जीवन जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है ऐसा अवेयरनेस नहीं था, और जो कुछ था वो शायद ब्रिटिश रूल ने और मुसलमानी रूल में उसको, क्योंकि मुसलमान धर्म में संगीत नहीं है, पर संगीतकार तो मुसलमान थे, तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ थी। और सुशिक्षित समाज में कला की कलाकारों को समाज में नहीं स्थान था, तो दे यूज्ड टू लिव इन रेड लाइट एरियाज। तो ये हमारी प्राचीन विद्या है और इसका पुनरुज्जीवन करना चाहिए, ये उनका एम था। जैसे 47 तक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल वॉज टू गेट फ्रीडम, ऐसे उनका ये था। तो उन्होंने ये शास्त्र है, तो सब गवैयों को, पंडितों को और खास साहब लोगों को उन्होंने पूछ करके विद्या ली, और जब उनको पता चला कि ये छापने वाले हैं, छापना इन्होंने शुरू कर दिया, तो सब लोग बोले कि हमने ऐसा कहा ही नहीं, दे फेल्ट इनसिक्योर कि लोग पढ़ के गाना सीखेंगे तो फिर हमारे पास कौन सीखेगा, हमारी ट्यूशन कैसे चलेगी। तो वो कहते थे कि हमने कहा नहीं, तो भातखंडे जी कहते थे कि ये जो राग रूप है मैंने दिया है किताब में, समझो काम हो रहे, तो ये लोगों को पूछ के ही लिया उन्होंने। तो कहते थे इसका तो शास्त्र में प्रमाण है, कैसे, तो संस्कृत श्लोक कहते थे जो कि वो उनका खुद का ही लिखा हुआ होता था। तो सब लोग कहते थे हाँ शास्त्र में लिखा है, तो फिर सही बात है, हम लोग हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं। पर ये जो थाट पद्धति है, इसमें बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर जौनपुरी और दरबारी का स्केल एक ही है, पर उनका रूप और गेट उनकी बहुत अलग है, पर वो एक ही थाट में आते हैं भातखंडे जी के, उसमें जौनपुरी और दरबारी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो थाट पद्धति के आगे की एक संकल्पना रेड़े जी ने उनके राग प्रवाह नामक पुस्तक में लिखी, वो पुस्तक संवाद फाउंडेशन ने प्रसिद्ध किया। ही सजेस्ट फोर गेट्स, GAIT गेट्स, जिसको प्रवाह मराठी में नामकरण उसका हुआ, मांड, कल्याण, बिलावल और गौड, ये चार प्रमुख गेट्स है। और उसमें उन्होंने राग किस प्रकार से बैठते हैं, मतलब गेट के अनुसार, स्वरों के गेट के अनुसार, उसका इतना गहरा विवेचन दिया है कि वो किताब प्रत्यक्ष ही पढ़नी चाहिए। उसका यहाँ पर आई कांट गिव यू एन एब्रिज्ड एडिशन ऑफ दैट बुक। उनका प्रमुख उसके पीछे विचार ऐसा था, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, कि शास्त्रीय संगीत वक्र स्वरों से चलता है, निसारेगम सारेगम बदन ऐसा सानी दब मगर ऐसा, मतलब प्रवाह की उन्होंने कल्पना की, और वो एक राग स्वरूपों को देखने का अनोखा ढंग है। राग चलते कैसे हैं, राग का चलन कैसा होता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर से हुए श्रांगदेव और मतंग, और उसके बाद भातखंडे जी को अपन ने पकड़ा, जिन्होंने संगीत लिखा, संगीत के राग रूपों की चर्चा की, उसमें ये रेले जी की किताब की दखल ली जाए। और खास करके ये वो प्रेरित क्यों हुए कि उनका कहना था कि लुगत लड़ली झुम्बा डर 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 एक के बाद एक स्वर आते लोक संगीत में। लोक संगीत में वक्रता नहीं होती, और शास्त्रीयता जहां पर आती है वहां पर वक्रता आती है।
अभी भूख भले ही हो, सारी मेरा ये उनके बारे में, उनके संगति के योगदान के बारे में मेरा वक्तव्य में यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मतलब इसके हर प्रवाह को लेकर के बताना तो एक सीरीज होगी। जैसे मारो भी एक और बसंत का चलन एक है। इसलिए मारू बसंत एक राग भी उन्होंने बनाया। बस कर दे अनलेस यू वांट टू आस्क समथिंग। कुछ नहीं, बट देन आई हैव टू आल्सो कम, आई हैव सम क्वेश्चंस, मे बी वी कैन पूछो। अभी पूछो ना। नहीं, आई जस्ट वांट उनके ताल का अंदाज, हिज work around rhythm and words seems to be very beautiful. तो कहाँ से उन्होंने उनको ये आया? चलो है। हाँ। नहीं, जैसे मैं पहले ही कह चुका कि राग की पट में यानी मल्टीपल्स में वो उनकी लयकारी नहीं थी, जैसे कि गजरन बहुत जोशी की थी। वो शब्दों की कहन ताल पर सवार होती थी, जिसका मैंने आईरी बहुरी में उदाहरण दिया। अग्रकर ने कई गायक वो उनको ताल में डाल के मात्रा मात्रा पर गाते हैं, पर ये मात्रा को छोड़कर जो शब्द कहते हैं वैसे लगता है, ऐसे नहीं लगता है कि वो ताल में गाए, पर वो ताल की इतनी एक सुपर फाइन लेवल है। जैसे संगीतकारों में ये मान्यता है कि ताल पट में इंटीरियर दर्जा है उसका, उसमें एक प्रेडिक्टेबल अरिथमेटिकल कैलकुलेशन की क्वालिटी आती है। पर कुमार गंधर्व हो या आमिर खान हो, इन्होंने जो ताल ली उसकी इंट्रिंसिक लय है, पर वो ताल के मात्रा के पट में नहीं है, दुगुन चौगुन डेढ़ी में नहीं जाती है। वही बात उनके कहन में है, और वो कहन बरकत अली के संगीत से और ठुमरी के कहन से, कि ठुमरी में शब्दों का ज्यादा काम पड़ता है, इसलिए अन्य गायकों की तुलना में उनकी कहन बहुत अच्छी है। वेरी नाइस क्वेश्चन दैट वाज, बट आई हैड मेंशनड इट ऑलरेडी।